दोस्तों, लोकल इन्फो वाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो अपडेट है वो जहानाबाद रेलवे स्टेशन से है। यहाँ इसलिए आया था कि यहाँ पे से आपको एकंगड़ सराय और बिहार शरीफ की रेलवे लाइन खुलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आकर के किसी तरह का वर्क नहीं चल रहा। लेकिन चलिए मैं आगे आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे यहाँ पर रेलवे प्लेटफार्म की बात करें तो टोटल तीन प्लेटफार्म है, एक उस साइड, दो और उसके आगे तीन, और चार रेलवे ट्रैक है। और इस साइड आप जो देख रहे हैं ये पटना जंक्शन चली जाती है, और उसी तरीके से इस साइड गया चली जाती है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आगे बताता हूँ। और इसी साइड आप आगे जाकर के अगर वीडियो के राइट से मुड़िएगा तो आप अरवल चले जाइएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर छोटी बड़ी सारी गाड़ियाँ रुकती हैं जो कि पटना से खुलती है या फिर गया से खुलती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक फुट ओवर ब्रिज है जो कि आप देख रहे हैं, और चार शेड है यहाँ पर आराम करने के लिए, और वेटिंग हॉल भी है। चलिए मैं सब आपको दिखाऊंगा, आगे बताऊंगा, आगे का डिटेल देता हूं। तो जैसे जहानाबाद स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो इस तरीके से इसका बाहर का गेटअप सेटअप है, और यहां पर पार्किंग है। चलिए मैं आपको रोड साइड से भी सब कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। तो इस तरीके से आप गेट से बाहर निकलिएगा तो ये मेन रोड है जिसको कि पीजी रोड कहते हैं, पटना गया रोड, और इस साइड आपका पटना साइड है, और ये जहानाबाद रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार है जो कि आप देख रहे हैं। जहानाबाद रेलवे स्टेशन का इस साइड से यहाँ से आप स्टेशन में इन कर सकते हैं, और इस साइड गया, आप यहां से 45 किलोमीटर दूर गया है। और यहां पर खाने पीने के लिए आपको हर तरह का चीज़ मिल जाएगा, फल, सब्जी, फल खाने के लिए, फिर सूखी लिट्टी, जिनको ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं खाते, सूखा खाते, तो वो इस तरीके से ये फोर लेन है। ये अंदर का रोड है और बाहर का बाईपास अलग है, जिसका कि मैं पटना गया डोबी नाम से अपडेट दे चुका हूँ, बहुत सारा अपडेट है 20-22 पार्ट में, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इस तरीके से इसका अकाउंट एंट्रेंस है, मतलब दो एंट्रेंस है जो कि मैं दिखा चुका हूं। और आगे में जो है कि मतलब वीडियो के राइट साइड में मुड़िएगा तो आप हुलासगंज होते हुए इस्लामपुर चले जाइएगा, कंगड़ सराय चले जाइएगा, या फिर आप बिहार शरीफ चले जाइएगा उस साइड से आगे। और इस साइड से आपको देखिए यहाँ पर हर चीज़ टेम्पू वगैरह मिल जाएंगे लगे हुए, और स्टेशन पर सारी सुविधाएँ। चलिए टिकट काउंटर सब दिखाता हूँ। इस साइड पार्किंग है, आप अगर गाड़ी वाड़ी लेकर के आ रहे हो तो यहाँ पार्किंग की सुविधा है, पार्किंग आप लगा सकते हैं, और यहाँ से ऑटो रिजर्व कर सकते हैं आराम से, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए आगे आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ। ये देखिए यहाँ का जहानाबाद का मेन एंट्रेंस जो कि आप देख रहे हैं, तो ये मेन एंट्रेंस है। चलिए और आगे मैं आपको प्लेटफॉर्म भी फिर से घुमाने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको मेन एंट्रेंस है, और ये जहानाबाद का एंट्रेंस है। यहाँ पर बैठने के लिए पार्क वगैरह छोटा सा बना हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से आराम से पार्क में आप बैठ सकते हैं। चलिए ऐसा एंट्रेंस बहुत है छोटा बड़ा, लेकिन मेन एंट्रेंस ये है। और इस साइड में रेलवे काउंटर है, और वहाँ पर एटीएम भी है, और उस तरफ टॉयलेट बाथरूम सारी सुविधा है। और ये हमारा प्यारा झंडा देखिए, यहाँ पर टिकट काउंटर है, टोटल 5 टिकट काउंटर है, और बहुत ट्रेन यहाँ रुकती है, लगभग मतलब जितनी ट्रेन इस रूट से गुजरती है 24-25 सब अप एंड डाउन टोटल मिला के 26 लगभग 26 प्लस। तो चलिए और आगे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ। इस तरीके से देखिए मैं भी वेट कर रहा हूँ, ये रेलवे पुलिस स्टेशन है जहानाबाद का, और ये प्लेटफॉर्म है, ये ओवरब्रिज है, मैं ओवरब्रिज भी आपको घुमाने की फुट ओवरब्रिज घुमाने की कोशिश करूँगा आगे आपको। तो स्टेशन पे बहुत भीड़ रहती है, मतलब ट्रेन की संख्या इस साइड में बहुत ट्रेन चलती है, ट्रेन ही एक साधन है आने जाने का, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है। और ये फुट ओवरब्रिज है यहाँ का, क्योंकि आप देख रहे हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ आप। और इस तरीके से ये जहानाबाद का बाहर का मेन शहर है, इस साइड मतलब मेन बाज़ार है, और पानी वानी की सुविधा के लिए देखिए टंकी वगैरह सब है, और बड़ा बड़ा कैमरा भी यहाँ लगा हुआ है। इस तरीके से देखिए कितनी क्लीनिनेस है और साफ़ सफाई है। ये हमारे उमर अहमद साहब है जिनका कि BTE ब्लॉग है, और ये बकरी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं शौक का, और मेरा भी अपना बिजनेस ब्लॉग है बकरी मंडी से रिलेटेड और बकरियों से रिलेटेड, तो अपडेट देते हैं, ये भी अपडेट देते हैं। ये फुट ओवर ब्रिज इस साइड भी पब्लिक है, लेकिन मेन बाज़ार वीडियो के पीछे में है, अपोजिट साइड जो कि पहले दिखा। इस तरीके से देखिए ये भी एक प्लेटफार्म है, मतलब टोटल 3 प्लेटफार्म, 4 रेलवे ट्रैक है, इस साइड गया साइड है, इस साइड पटना साइड है, और फ्यूचर में ये भी एक जंक्शन होने वाला। चलिए और आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बात के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गया हूँ, और इस तरीके से वीडियो कवर कर रहा हूँ जो कि आप देख रहे हो साइड 3 है, और ये 1 पे भी पैसेंजर आने वाली है एक्सप्रेस जो भी हो। और उस साइड मेन शहर में पहले बताया, उस साइड टिकट काउंटर है, और आगे में वेटिंग हॉल है। चलिए अब मैं आपको पटना साइड ले चल रहा हूँ, और मैं पटना जा रहा हूँ इसीलिए मैं आपको पटना चल रहा हूँ। देखिए एक गाड़ी भी गुजरने वाली है, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा किस तरीके से गाड़ियाँ गुजरती हैं। और
और यहाँ पर यार्ड भी है जो कि आप देख रहे हैं, मतलब जहानाबाद के लिए या फिर इस साइड के लिए गाड़ी माल वगैरह आता है तो देखिए इस तरीके से जो गाड़ी पीछे लगी हुई ब्लू कलर की, तो उस साइड से माल उतरता है, उस साइड यार्ड जिसको कि माल उतरने वाला कहते हैं तो वहाँ उतरता है। और इंजन भी यहाँ लगी हुई है इस तरीके से कभी गड़बड़ हो जाए। और देखिए एक एक्सप्रेस गुजरने वाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। इससे कोई ट्रेन नहीं है, एक इंजन है जो कि क्रॉस करने वाला है। यहाँ पर देखिए यहाँ एक और फुट ओवर ब्रिज का काम चल रहा है जो कि आप इस साइड देख रहे हैं, और लगभग लगभग यहाँ पर सभी ट्रेनें रुकती हैं लगभग लगभग। तो इस तरीके से एक इंजन और एक बॉगी गुजर रही है, वो भी लगता है कि किसी इंजीनियरिंग का इंजीनियर का होगा या किसी चीफ गेस्ट के लिए होगा, क्योंकि देखिए इस तरफ से यहाँ बैठे हुए हैं। और आप ज़रूर हमें बताइएगा जहानाबाद स्टेशन का कैसा लगा, क्योंकि मेन जो मेरा मकसद और अपडेट देने का था वो था यहाँ के कि जो कि एकंगड़सराय रूट के लिए गाड़ी के लिए वर्क चल रहा है या नहीं रेलवे लाइन के लिए। तो यहाँ पर किसी तरह का वर्क नहीं चल रहा है, यही वर्क चल रहा है जो कि आप देख रहे हैं। और आगे में पटना है, सीधे चले जाइएगा तो तेलंगाना पटना है और इस साइड में गया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।